हर एक जो 5 साल का हमारा ये पूरा टर्म होता है, इसमें पहले साल में विधानसभा में इस प्रकार के ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम ये होते हैं। तो 2 दिवसीय ये जो सभी विधायकों का और इसमें कुछ सांसद भी हमारे बीच में आए हैं, उन सबको मिला करके 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम ये है। और अच्छी बात यह है कि कल इसमें समापन कार्यक्रम में हमारे लोकसभा के स्पीकर वो भी आ रहे हैं और हमें वो मार्गदर्शन करेंगे। लोकसभा की जो एक प्रशिक्षण की टीम है प्राइड कार्यक्रम के अंतर्गत, वो भी बहुत बारीकियाँ विधानसभाओं को बताएं, विधानसभा सदस्यों को बताएंगे, ताकि विधानसभा के सदस्य, चाहे वो विधानसभा की कार्रवाई है या फिर जो कमेटीज़ होती हैं, उन कमेटीज़ में जिस प्रकार का रोल उनका होता है, उन सबको सुचारू ढंग से अपना दायित्व निभाने के लिए वो काम करें, ताकि जिस दायित्व को दे करके जनता ने हमें भेजा है उस पर हम पूरा उतर सकें। सर, विधेयकों को लेकर आपने कोई रिफॉर्म्स की बात कही है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 5 दिन सत्ता पक्ष में रहते हुए कहा कि भाई विपक्ष को पूरा मौका मिलना चाहिए, किस तरीके से सर व्यवस्थाएं रहेंगी? हम तो पहले भी जब पिछले 5 साल के टर्म में विधानसभा के सत्रों की संख्या बढ़ाने की बात की थी, हर वर्ष 2 के बजाय 3 सत्र हमने किए, सिटिंग्स भी हमने बढ़ाई, इस बार ये कहा कि जो विधेयक आएंगे उन विधेयकों पर चर्चा, और चर्चा के लिए पहले जो उनका जो ड्राफ्ट प्लान, ड्राफ्ट जो है उसका बनेगा, वो उसको उनको सबको भेजा जाएगा, मेल किया जाएगा, ताकि उसका ठीक से अध्ययन कर सकें और कोई सुझाव पहले देना हो अथवा विधानसभा में देना हो तो वो आकर के दे सकें, और उसके बाद ही उस विधेयक को यानी बिल को पेश किया जाएगा और बाद में विधेयक के नाते से पारित किया जाएगा। सर, आपने कहा था कि संसद में व्यंग हो सकता है लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन सर व्यंग से शुरू होकर काफ़ी बात की बार बढ़ जाती है, तो ऐसे मैंने उसी बारे में कहा कि देखिए हम सब एक हैं, पूरे प्रदेश के हित चाहने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में मतों की भिन्नता तो हो सकती है लेकिन मनों का भेद नहीं होना चाहिए। तो मन भेद तब शुरू होते हैं जब कोई बात घृणात्मक तरीके से कही जाए, जब उपहास के तरीके से कही जाए, किसी सामने वाले का मन दुख जाए, वो नहीं करना चाहिए। तो कोई व्यंग है, हंसी मजाक की बात है, कहानी की बात है, ताकि लोग उसको आनंदित भी होते हैं, अपनी बात को कहते भी हैं ठीक ढंग से, तो एक तरीका ऐसा हो अच्छा रहता है। तो सर, कल से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से, कोई सरकार हरियाणा के लेकर भी चर्चा हुई सरकार के कामकाज को लेकर, संगठन को लेकर? सभी जो प्रांतों के मुख्यमंत्री वहाँ आए हुए थे, अपने अपने प्रांत के बारे में बहुत से विषयों के ऊपर चर्चा की, जो सामान्यतया केंद्र सरकार की ओर से या प्रधानमंत्री जी की ओर से नए नए इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, नए प्रोग्राम लिए गए हैं, उनकी सबकी सफलता, उसमें हर एक प्रदेश में जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर चर्चा हुई, और एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें से दूसरे प्रांत भी सीख सकें, ऐसा एक कार्यक्रम और अच्छी एक बैठक हमारी लगभग 4.5 घंटे की बैठक चली, बहुत उपयोगी रही। वैसे सर, कई लोगों ने सवाल पूछा होगा लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको जवाब देना चाहें तो, इसमें विवाद चल रहा है, क्या सर है इसमें सच्चाई? मैंने बताया बहुत टेक्निकल बात है, उसको बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे।